गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चे, आज हम लोग चलेंगे जो आपका ग्रामर में रीडिंग सेक्शन चल रहा था और रीडिंग सेक्शन में जो आपका पांच अनसीन पैसेज की श्रृंखला चल रही है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अनसीन पैसेज नंबर 3 देखेंगे, मींस तीसरा अनसीन पैसेज करेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसके पहले दो अनसीन पैसेज करा चुके हुए हैं तो आज तीसरा अनसीन पैसेज लेकर के चलेंगे। और हमने आपको बताए हुए हैं कि आपके रीडिंग सेक्शन से अनसीन पैसेज पूछा जाता है और उस अनसीन पैसेज में से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जो के पूरे आपके 15 नंबर के प्रश्न होते हैं। और 15 नंबर के प्रश्न कहां से होते हैं हमने इसके बारे में भी आपको बता दिए हुए हैं। चार आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, तीन तीन नंबर के, मिस 12 नंबर के आपके ए हो जाएंगे, और तीन क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो वकैब बेस रहेगा एक एक नंबर का। तो 12 3 15 नंबर के इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज से प्रश्न बनने वाला है। और हमने पांच अनसीन पैसेज की श्रृंखला लेकर के चल रहे हैं। इस पांच अनसीन पैसेज की श्रृंखला में हमने सभी प्रकार के अनसीन पैसेज को रखे हुए हैं। कुछ सिंपल अनसीन पैसेज रखे हुए हैं, कुछ टफ अनसीन पैसेज रखे हुए हैं, कुछ की वर्डिंग टफ है ऐसा अनसीन पैसेज रखे हुए हैं, और कुछ बहुत लेंथी अनसीन पैसेज है ऐसा भी रखे हुए हैं ताकि आपको अनुभव मिल जाए। आपके एग्जाम देने से पहले आपको सभी प्रकार के अनसीन पैसेज करने का प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अनसीन पैसेज हम करा रहे हैं पांच अनसीन पैसेज इन्हीं में से आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि अनसीन पैसेज है जिसे आपने देखा ना हो ऐसा पैसेज बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो भैया इसे तो आपने देख लिया हुआ है, हम कोई बोर्ड का तो पेपर सेट नहीं कर रहे हैं कि जो हम इसे उठा करके दे देंगे, वो तो ऐसा उठाएंगे ना जो कहीं से दिया ना हो। तो प्यारे बच्चे, इसलिए जरूरी नहीं है, लेकिन इतना पूरी तरह से आपको भरोसा देना चाहते हैं कि आपका अगर इन पांचों को सॉल्व कर लिए हुए हैं तो आपको हर प्रकार से कहीं से भी कुछ भी अनसीन पैसेज आए, अगर आप कॉन्सेप्ट दिमाग के बनाए हैं तो बिल्कुल आपका आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, कहीं कोई समस्या दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चे, ये पांच अनसीन पैसेज आपके 15 नंबर पक्के करने वाले क्लास है, तो इसलिए ध्यान से केवल क्लास को अटेंड करते रहिए। तो जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास शुरू करने से पहले बता देते हैं ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 82 है, मींस आपकी 81 ग्रामर की क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन करा चुके हैं, सिंथेसिस करा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करा चुके हैं, सिंटैक्स करा चुके हैं, वकैब वाले पोर्शन में आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, मींस एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इडियम्स, फ्रेजेस, मींस सब कुछ वकैब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट कर चुके हैं, इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन की दो क्लास हो चुकी है, ये आपकी तीसरी क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जा करके जहां से कहीं से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं, और देखिए यहां पर आपकी क्लास में देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसे पहले दो लाइन ऊपर नोटिस दिया होगा, जैसे ये आपका मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 दे करके ऊपर जैसे हमने दो लाइन रेड कलर में लिखे हुए हैं इसी तरह से आपका लिखा हुआ होगा, उसमें क्या लिखा होगा उसे देखिए, रीड दी पैसेज मीन्स इस पैसेज को पढ़िए, गिवन बिलो जो नीचे दिया हुआ है, जो नीचे दिया हुआ पैसेज है उसे पढ़िए, एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो देम, और जो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर दीजिए, ऐसा आपको लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपके पैसेज दिए हुए होंगे, तो प्यारे पैसेज को तीन चार पैराग्राफ में डिवाइड किए हुए हैं, तो आपका यहाँ पर हमने ए पैराग्राफ रखे हुए हैं, ए पैराग्राफ, बी पैराग्राफ, मीन्स जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैराग्राफ कहते हैं ना, तो हमने इसे ए और बी करके नाम रखे हुए हैं। तो प्यारे ए पैराग्राफ पर आपका देखिए क्या दिए हुए हैं, जल्दी से हम लोग पैसेज शुरू करते हैं, और यहाँ पर हमने उस पैसेज को रखे हुए हैं जो आपने जो है क्लास 10th में पढ़े हुए थे, एक आपने चैप्टर पढ़ा हुआ था माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, हालांकि अब क्लास 10th का नया सिलेबस आ गया है, पुराना सिलेबस कट गया है, पुराना सिलेबस जो है चेंज हो गया है, नया सिलेबस क्लास 10th में आ गया है, अब ये चैप्टर नहीं है, लेकिन पहले हुआ करता था माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, हो सकता हो कुछ बच्चे इसमें माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज पढ़े भी होंगे, तो इसलिए उम्मीद करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते चलेंगे, इस चैप्टर से जो हमने उठाए हुए हैं इसको अच्छी तरह से समझेंगे।
और इस तरह से कहीं से भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। हो सकता हो कोई 11th का चैप्टर उठा सकते हैं, कोई 10th का चैप्टर, जिस तरह से यहां पर प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, ये आपका बुक में प्रैक्टिस सेट में इस तरह से दिए हुए थे, हमने वहीं से करा रहे हैं, ये हमने स्वयं से नहीं जनरेट किए हुए हैं कि स्वयं से बना के क्लास 10th की किताब से करा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी किताब से ही करा रहे हैं जो आपके एक्सेलेंट बुक में दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इस पैसेज को शुरू करते हैं, इसे थोड़ा सा तेज लेके चलेंगे क्योंकि आपका रिविजन करानी है, आपको देखने से करने कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो आपके इस आधार पर भी प्रश्न बन सकते हैं, कैसे इस चैप्टर के आधार पर प्रश्न बने हुए हैं उससे आपको दिखाते हैं। तो जल्दी से हम लोग इसके पैसेज की हिंदी अर्थ देख लेते हैं, पहले हमने आपको बताए हुए हैं, पहले आप हिंदी अर्थ देखोगे उसके बाद आप जो है उसका क्वेश्चन आंसर देखोगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एन एंग्री एथलीट, एक क्रोधित खिलाड़ी, इज एन एथलीट एक ऐसा खिलाड़ी होता है, हु विल मेक मिस्टेक्स, जो गलतियां करेगा, एक क्रोधित खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी होता है जो गलतियां करेगा, एज एनी कोच विल टेल यू, जैसा कि कोई भी कोच आपको बता सकेगा, मीन्स कोई भी कोच जैसा कि आपको बता सकता है कि एक क्रोधित खिलाड़ी जो है गलतियां करेगा। I was no exception, मैं बिल्कुल कोई अपवाद नहीं था, मीन्स ये बात जेसी ओविंस कराए कि I was no exception, मैं कोई अपवाद नहीं था। On the first of my three qualifying jumps, अपने तीन क्वालिफाई जंप में पहले वाले में आई लीव्ड, मैं कूदा, फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड जहां से कूदना था उससे कई इंच आगे से पहले प्रयास में मैं कूदा। फार एंड नो जंप, और कोई जंप नहीं मानी गई, जाहिर सी बात है अगर जो टेक ऑफ बोर्ड है उसके आगे से कूद जा रहे हैं तो कोई जंप नहीं मानी जाएगी। ऑन दी सेकेंड, और दूसरे वाले में आई वॉज इवन वर्स, मैं इससे भी बुरा किया, मीन्स दूसरे वाले में इससे भी मैं बुरा किया, मीन्स सपोज दैट इसमें पहले वाले में एक दो इंच आगे से कूद गए थे लेकिन जो है आगे मीन्स जो टेक ऑफ बोर्ड है उसके आगे से, ठीक है, उसके पीछे से की बात नहीं हो रही है, मीन्स एक दो इंच और इसमें वाले में उससे भी बुरा, मीन्स दो तीन इंच आगे से कूद गया। तो और ये क्रोधित क्यों था, क्रोधित आपको याद होगा कि हिटलर ने लुजलाम को छिपा करके रखा हुआ था, इसलिए जैसे ओविंस क्रोधित था इसलिए जो है वह गलतियों पे गलती कर रहा था। अब उसके पास मौके एक बचे हुए हैं, दो में तो असफल हो गया क्वालिफाइंग में, एक मौका बचा हुआ है, अगर उसमें भी असफल हो जाएगा तो वह ओलंपिक में भाग नहीं ले पाएगा। आगे देखते हैं। Did I come 3000 miles for this? क्या 3000 की मील की दूरी से मैं इसीलिए आया हुआ हूँ? I thought bitterly, मैंने बुरी तरह से सोचा, to fail in the trials, means अभ्यास में असफल होने के लिए, and make a fool of myself, और स्वयं का मजाक बनाने के लिए, क्या मैं 3000 की मील की दूरी से आया हूँ? Walking a few yards from the pit, pit में होता है गड्ढा, गड्ढे से कुछ जो है कुछ गज की दूरी पर टहलते हुए, I kicked, मैंने पैर मारा, disgustedly, means जो है निराशापूर्वक, at the ground, means जमीन पर, जमीन पर मैंने निराशापूर्वक पैर मारा। सडनली अचानक, आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया, अचानक मैंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। आई टर्न टू लुक इन टू फ्रेंडली ब्लू आईज ऑफ द टॉल लॉन्ग टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, तो ध्यान देना, आई टर्न, मैंने मुड़ा, टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आईज, उस नीली दोस्ताना आंखों को देखने के लिए, ऑफ टॉल जर्मन, जो लंबा जर्मन लॉन्ग जंपर था, जो लंबा जर्मन लॉन्ग जंपर था उसकी नीली दोस्ताना नीली आंखों को देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा। He had easily, वह आसानी से qualified में सफल हो गया था, for the finals, means finals के लिए, on his first attempt, अपने पहले प्रयास में, अपने पहले ही प्रयास में वह जो है finals के लिए सफल हो गया था। He offered me a firm handshake, उसने offer किया, means प्रस्ताव रखा, firm handshake means मजबूती से हाथ मिलाने के लिए उसने offer किया, प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रखना means उसने हो सकता हो हाथ आगे बढ़ा दिया हो हाथ मिलाने के लिए। आगे देखो आगे क्या होता है, ही ये हो गया, जेसी ओविंस आई एम लूजलांग, उसके बाद कहता है जेसी ओविंस मैं लूजलांग हूँ, आई डोंट थिंक मैं नहीं सोचता हूँ, वी हैव मेट मैं पहले मिल चुका हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं पहले मिल चुका हूँ। ही स्पोक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता था, वेल मीन्स अच्छी तरह से, वह इंग्लिश अच्छी तरह से बोलता था, दाउ यद्यपि विथ अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, इसमें कहीं न कहीं जर्मन ट्विस्ट भी थी, जर्मन का कुछ न कुछ अंश भी था,
भैया वो अंग्रेजिया भले बोलता था लेकिन उसमें कुछ जर्मन का ट्विस्ट था, मीन्स जर्मन का कुछ प्रभाव था उसकी अंग्रेजिया में। जैसे जब हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ हिंदिया का प्रभाव रहता है ना, कुछ ना कुछ उसी हिंदिया के शब्दों को जोड़ देते हैं ना अपनी अंग्रेजिया में, तो भैया वही चीज उसमें भी था। ग्लैड टू मीट यू आई सेड, मैंने कहा, मिस जेसी ओवेंस ने कहा, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर के खुशी हुई, आई सेड, मैंने कहा। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, फिर अपने बेचैनी को छिपाते हुए, आई एडेड, हमने पूछा, हाउ आर यू, मीन्स तुम कैसे हो, मैंने अपने बेचैनी को छिपाते हुए, अपने घबराहट को छिपाते हुए मैंने पूछा, हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हो, आई एम फाइन मीन्स मैं बिल्कुल सही हूँ। द क्वेश्चन इज, प्रश्न ए है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, प्रश्न तो ये बनता है कि आप कैसे हैं, कि हम तो भैया फाइनल में, ऐसा नहीं कि हम असफल हो गए, हम टेंशन में हो, अरे तुम दो बार असफल हो गए हो, तुम बताओ, ये प्रश्न ही उठता है कि तुम कैसे हो कि पूछ रहे हो हम कैसे हैं, यही बात है ना। तो आगे देखो, व्हाट डू यू मीन आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन मींस तुम्हारा मतलब क्या है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मींस उसे जेसी ओवेंस को लगा इस ससुरा कहीं हमारी बेइज्जती तो नहीं कर रहा है जो ऐसा पूछ करके कि ये प्रश्न ही उठता है कि तुम कैसे हो, तो इसलिए उसने कहा व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। Something must be troubling you, means कोई चीज अवश्य ही तुम्हें परेशान कर रही है, he said, उसने कहा, मिस रुजलांग ने कहा कि कोई चीज अवश्य ही तुम्हें परेशान कर रही है, you should be able, तुम समर्थ हो, to qualify means qualify करने के लिए, with your eyes shut, अपनी आंखें बंद करके भी, तुम अपनी आंखें बंद करके भी क्वालिफाई करने में समर्थ हो, मींस लुजलांग समझ गया कि परेशान क्यों है, तो इसलिए कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करके भी जो है सफल होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आसानी से सफल हो सकते हो। अब जो है बी वाला मींस सेकंड पैराग्राफ देखिए, बी वाला पैराग्राफ आपका क्या है, बिलीव मी आई नो इट, मींस मेरा विश्वास करो, आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ, जेसी ओवेंस कहता है मेरा विश्वास करो मैं इसे जानता हूँ, आई टोल्ड हिम, हमने मुझसे कहा ऐसा, एंड इट फेल्ट गुड, और यह मुझे अच्छा महसूस हुआ, टू से दैट टू समवन, यह बात किसी से कह करके मुझे अच्छा महसूस हुआ, ये बात कौन कहता है, जेसी ओवेंस कहता है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ मिनट तक, वी टॉक टूगेदर, हमने एक दूसरे से बात किया, आई डिड नॉट टेल लुजलांग वाट वॉज ट्रेवलिंग मी, मैंने लुजलांग को नहीं बताया कौन सी चीज मुझे परेशान कर रही है, बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मेरे क्रोध को समझ चुका हुआ था, एंड ही टुक पेंस टू रीअश्योर मी, और मुझे पुनः आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था, ऑल्दो यद्यपि He had been trained in Nazi's youth movement. यद्यपि वह नाजियों के यूथ मूवमेंट में पला बड़ा था, मीन्स नाजियों की यूथ मूवमेंट हिटलर की यह चलाई हुई नीति जिसमें जो है नाजियों को श्रेष्ठ माना जाता था, हिटलर की तानाशाही इसमें चलती थी, नाजियों को श्रेष्ठ माना जाता था, और उस ग्रुप में जो है लुजलांग को पला बढ़ा हुआ था। He did not believe in the Aryan supremacy business. लेकिन फिर भी वह आर्यों की श्रेष्ठता के बारे में पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था, मींस लुजलांग बढ़िया व्यक्ति था, एनी मोर देन आई डिड, जितना कि मैं नहीं करता हूँ, मींस जितना मैं नहीं करता हूँ आर्यों की श्रेष्ठता के बारे में, वैसे उसका भी विचार था। आगे देखो, वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट, हमने इस तथ्य पर जो है हंसा, दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू अ सुपीरियर रेस, कि वह शारीरिक रूप से दिख रहा है एक श्रेष्ठ जात से बिलोंग करता है, ऐसा शारीरिक रूप से भी दिख रहा था लुजलांग, इस पे हम दोनों ने काफी हंसी मजाक किए। एंड इंच टालर देन आई, मुझसे एक इंच बड़ा था, ही हैड अ लीन मस्कुलर फ्रेम, उसकी शरीर गठीली शरीर थी, क्लियर ब्लू आइज, स्पष्ट नीली आंखें थी, फेयर हेयर मीन सुंदर बाल थे, एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, और असाधारण ढंग से, स्ट्राइकिंगली मीन होता है असाधारण ढंग से, और असाधारण ढंग से हैंडसम फेस, एक सुंदर चेहरा था, और इसका असाधारण ढंग से एक सुंदर चेहरा था। फाइनली मीन्स अंततः, सीइंग आई हैड काम डाउन, उसे देख करके मैं शांत हो गया, मीन्स मेरा क्रोध शांत हो गया, ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ द बोर्ड, वह टेक ऑफ बोर्ड की तरफ क्या किया, पॉइंट किया, मीन्स इशारा किया, और उसने टेक ऑफ बोर्ड की तरफ इशारा किया। तो प्यारे ए आपका बी वाला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, अब हम लोग सी वाले पैराग्राफ में चलते हैं, देखते हैं आपका क्या है। लुक देखो, ही सेड, वह कहा, वह कहा कि देखो,
वाई डोंट यू ड्रा लाइन, तुम एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते हो, अ फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड, बोर्ड के पीछे कुछ इंच पहले तुम एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते हो, एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम दियर, और उसी को उद्देश्य बना लो कि वही तुम्हारा टेक ऑफ बोर्ड है। मीन्स अगर ऐसा करोगे जो टेक ऑफ बोर्ड है उसके कुछ इंच पहले लाइन खींच ले रहे हो और उसी लाइन को मान करके चलो यही तुम्हारा टेक ऑफ बोर्ड है, तो दो तीन इंच अगर फाउल जा भी रहे हो तो तब भी मेन टेक ऑफ बोर्ड के पहले ही रहोगे, आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, ऐसा बात वह सजेस्ट करता है किसको, जेसी ओवेंस को सजेस्ट करता है लूजलांग, यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, तुम निश्चित ही फाउल नहीं होगे, एंड यू सर्टेनली आर टू जर्न फॉर enough to qualify, और जो है क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त रूप से तुम कूद सकते हो। What does it matter if you are not first in the trials? इसका क्या मतलब निकलता है यदि तुम ट्रायल्स में मिस अभ्यास में प्रथम नहीं आते हो, तो इसका क्या मतलब निकलता है? Tomorrow is what counts, जो मुख्य है वो कल होगा, मिस जिनकी गिनती होगी वो कल होगा। Tomorrow is what counts, मिस जिनकी गिनती होगी वो कल होगा। Suddenly अचानक, suddenly means अचानक, all the tension seemed to ebb out of my body, अचानक मेरे शरीर से सभी टेंशन बाहर निकलता हुआ प्रतीत हुआ, कम होता हुआ प्रतीत हुआ। ebb out means होता है कम होना या फिर बाहर निकलना। As the truth what he said hit me, जैसा कि उसने सत्य बात जो बताया वह मुझे हिट कर गई, और उसके बाद मेरा टेंशन कुछ कम होना शुरू हो गया। और उसके बाद आगे देखो आगे क्या दिया हुआ है, Confidently means विश्वस्त होकर के, I drew a line, मैंने एक लाइन खींच लिया, a full foot behind the board, बोर्ड के पीछे एक फुट की दूरी पर मैंने एक लाइन खींच लिया, and jumped from there, और वहां से कूदा, I qualified, मैं समर्थ हो गया, योग्य हो गया, मैं क्वालिफाई कर गया, विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, एक फुट पहले से ही मैं क्या कर गया, क्वालिफाई कर गया, मीन्स एक फुट पहले से मैं कूदा और क्वालिफाई भी कर गया आसानी से। स्पेयर मीन्स फालतू का, स्पेयर मीन्स होता है फालतू का, फालतू के एक फुट के पहले से ही हम कूद करके क्या हो गए, क्वालिफाई हो गए। ए पैरची आपका जो है पैराग्राफ नंबर सी था। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर डी पे चलते हैं, देखते हैं आपका डी क्या है। थोड़ा सा लंबा पैसेज है, आपको पता है कि इसका जो है जब तक एंडिंग नहीं होगा आपको पता है कहां तक एंडिंग इसका होगा। ठीक है, डी वाले पैराग्राफ पे देखिए आप, दैट नाइट उस रात्रि आई वॉक्ड ओवर लूजलांग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम, तो उस रात्रि आई वॉक्ड में गया टू लूजलांग्स रूम, लूजलांग के कमरे पर, इन दी ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम, उसको धन्यवाद देने के लिए ओलंपिक के गांव में मैं लूजलांग के कमरे पर गया। आई न्यू, मैं जानता था, दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम, कि यदि वह मेरे लिए नहीं होता, आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन दी फाइनल्स द फॉलोइंग डे, आगे आने वाले दिन में वह फाइनल्स में नहीं खेल रहा होता। वह जानता था कि अगर उसने ये मेरी मदद नहीं किया हुआ होता तो वह आने वाले दिन में, मीन्स कल जो मुख्य जो फाइनल्स होगा उसमें नहीं खेल रहा होता। आगे देखते हैं, वी सैट, यही है ना, हाँ, वी सैट हिज क्वार्टर्स, हमने उसके कमरे में बैठा, एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे बातें किए अबाउट एथलेटिक्स, खिलाड़ियों के बारे में, आवर सेल्फ अपने बारे में, एंड द वर्ल्ड सिचुएशन, और विश्व की स्थिति के बारे में, एंड अ डजन अदर थिंग्स, और 1 दर्जन अन्य चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या किया, बातें किया। आगे देखते हैं प्यारची, When finally I got up to leave, जब अंततः हम वहाँ से छोड़ने के लिए तैयार हुए, अर्थात वहाँ से आने लगे, We both knew, हम दोनों जानते थे, That a real friendship had been formed, एक अच्छी दोस्ती क्या हो चुकी है, फॉर्म हो चुकी है, मीन्स बन चुकी है। तो हम दोनों जानते थे कि एक अच्छी दोस्ती क्या हो चुकी है, दोनों में बन चुकी है। Lose, लूज वुड गो आउट टू द स्टेडियम, लूजलांग स्टेडियम जाएगा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ट्राइंग टू बीट मी, मुझे हराने की कोशिश करेगा, इफ ही कुड, यदि वह कर सकेगा, मीन्स यदि वह कर सकेगा तो वह मुझे हराने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि दोस्ती हो गई तो हम जान करके हार जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हराने की कोशिश करेगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं ये भी जानता था, दैट ही वॉन्टेड टू डू माई बेस्ट, कि वह यह भी चाहता था कि मैं अपना सर्वोत्तम करूं, इवन इफ दैट मीन्ट माई विनिंग, यहां तक यद्यपि उसका मतलब मेरी जीत ही क्यों ना हो।
वह चाहता था कि मैं अपना सर्वोत्तम करूं और उस सर्वोत्तम में माना कि यद्यपि मेरी जीत भी क्यों ना हो जाए उसे लोजलांग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हुई असली दोस्ती, ठीक है, ये असली दोस्ती होती है। आजकल के दोस्ती में तो ससुराल लोग जो है कुछ चाहते हैं कि हमारा स्वार्थ अपना सिद्ध करते हैं, हमारा काम हो जाए, दोस्त से जितना काम निकाल लें उतना काम निकालने की कोशिश करते हैं। आजकल की दोस्ती फर्जी वाली दोस्ती हो गई है। तो प्यार ये हो गया, आगे चलते हैं ई वाले पैराग्राफ में चलते हैं। As it happened, जैसे जब यह घटित हुआ, Lose broke his own past record. लोजलांग अपने पुराने past record को क्या कर दिया, तोड़ दिया। Means अगले दिन जब ओलंपिक का फाइनल हुआ तो लोजलांग पहले कूदा और पहले कूद करके उसने जो पुराना past record था उसने उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया। इन डूइंग सो, ऐसा करके ही पुश्ड मी, वह उसने मुझे पुश किया, प्रेरित किया, ऑन टू पीक परफॉर्मेंस, अपना सर्वोत्तम करने के लिए। इतना करने के बाद वह मुझे अपना सर्वोत्तम करने के लिए मुझे पुश किया, मींस प्रेरित किया। उसके बाद देखो आगे क्या होता है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट एट द इंस्टेंट, उस समय आई लैंडेड फॉर माई फाइनल जंप, मैं फाइनल जंप के लिए कूदा। मी द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड, ऐसा कूदा कि ओलंपिक का रिकॉर्ड ही बन गया। आप 26 feet 5 inches, मींस 26 feet 5 inch कूदा और 26 feet 5 inch ओलंपिक का रिकॉर्ड बन गया। ही वॉज एट माई साइड, वह मेरे बगल में था। अब रिकॉर्ड बन गया तो मतलब जैसे ओवेंस जीत गया है। He was at my side, वह मेरे बगल में था। Congratulating me, मुझे जो है बधाई दे रहा था। Despite यह तथ्य जानते हुए, the fact means इस तथ्य को जानते हुए, that Hitler glared, कि हिटलर घूर रहा था। At us from the stands, स्टैंड से हिटलर क्या कर रहा था, घूर रहा था। Not 100 yards away, और स्टेडियम कितना दूर नहीं था, 100 yard की दूरी पर भी नहीं था, 100 yard की दूरी पर भी नहीं था। हिटलर हम दोनों को घूर रहा था, तब भी वह मुझे बधाई दे रहा था। लूज सुक माई हैंड हार्ड, लूज ने एकदम मजबूती से मेरे हाथ को मिलाया, इस हाथ मिलाया। एंड इट वॉज नॉट फॉल्स स्माइल विद ब्रोकन हार्ट, और टूटे हृदय के साथ ये झूठी मुस्कान नहीं थी। जो उसका चेहरे पे मुस्कान थी हाथ मिलाते समय, वह झूठ उसके टूटे हुए दिल की तरह झूठी मुस्कान नहीं थी। मीन्स ब्रोकन हार्ट से वह स्माइल नहीं कर रहा था, एकदम वह भी खुश था। भले हार गया लेकिन उसका दोस्त जीत गया, उसने भी अपना सर्वोत्तम किया, उसने भी सर्वोत्तम किया, इसलिए उसे कोई दुख नहीं हुआ। आगे देखो, लास्ट वाला पैराग्राफ है। यू कुड मेल्ट डाउन, आप पिघला सकते हैं, ऑल दी गोल्ड मेडल्स, सभी स्वर्ण मुद्राएं, सभी स्वर्ण पदक आप पिघला सकते हैं। एंड कप्स और कप, आई हैव जो कुछ भी मेरे पास है। एंड दे वुड नॉट बी प्लेटिंग दी 24 कैरेट फ्रेंडशिप, वो जो है 24 कैरेट की जो हमारी 20 की दोस्ती हो गई थी। आई फेल्ट दी लोजलांग एट दी मोमेंट, मैंने जो उस समय लोजलांग के लिए 24 कैरेट से अधिक जो हमने प्योर दोस्ती महसूस किया, वह उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। मीन्स जितने हमने जीवन में मेडल जीते हुए हैं सारे मेडल्स को पिघला दो, लेकिन जो हमने उस समय लोजलांग के प्रति दोस्ती का भाव अनुभव किया, वो जो है सारे मेडल्स जो है उसको बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो प्यार जी, ये होता है एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा साथी, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आगे है, आई रियलाइज देन, तब मैंने महसूस किया, टू दैट लूज वॉज अ फाइन एग्जाम्पल, कि लोजलांग एक अच्छा उदाहरण है ऑफ वार्ड पीरे दी कुबर्टिन, जो पीरे दी कुबर्टिन फाउंडर ऑफ दी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जो आधुनिक ओलंपिक गेम के फाउंडर थे, प्रणेता थे, संस्थापक थे, मस्ट हैव इन माइंड, उनके मस्तिष्क में अवश्य रहा होगा, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था। मीन्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक गेम्स के फाउंडर कौन है, तो फाउंडर कौन है, पीरे दी कुबर्टिन है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। आगे उन्होंने क्या कहा हुआ था, पीरे दी कुबर्टिन ने क्या कहा हुआ था, द इंपॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक, ओलंपिक में महत्वपूर्ण चीज, गेम्स इज नॉट विनिंग, जीतना नहीं है, बट टेकिंग पार्ट मीन्स भाग लेना है। ओलंपिक में महत्वपूर्ण भाग जीतना नहीं है, भाग लेना है। तो प्यार बच्चे, अगर आप लड़ाई में हो तो आप समझो एक विजेता हो,
ठीक है, अगर लड़ाई में उतर गए हो, अगर आप लड़ाई से ही भागे हो तब आपको लूजर माना जाएगा, ठीक है। लड़ाई में हो, लड़ाई में हार भी जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो पार्ट है जीतने हारने का, लेकिन अगर लड़ाई से बाहर हो गए हो, भाग गए हो छोड़ करके, तब आप जो भगोड़ा कहलाओगे। तो फिर अच्छे वही बात है आगे है, तो वही पियरे दी कुबर्टिन ने कहा हुआ था कि ओलंपिक में जो है जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, भाग लेना महत्वपूर्ण है। द एसेंशियल थिंग लाइफ, अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनना, द एसेंशियल थिंग लाइफ, जीवन में भी आवश्यक चीज है, इज नॉट कंक्यूरिंग, जीतना ही आवश्यक चीज नहीं है, बट फाइटिंग वेल, अच्छी तरह लड़ना महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जीवन में भी जीतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जीत रहे हैं हार रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह लड़ना महत्वपूर्ण है। ये अगर इतना आप काम कर रहे हो तब भी आप बेहतरीन हो। तो प्यारे बच्चे ये आपका पैराग्राफ था, हमें बताइए ये पैराग्राफ कहां से लिया गया था। अब इसके बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हूज हैंड, किसके हाथ को डिट जेसी ओवेंस फील, जेसी ओवेंस ने महसूस किया, ऑन हिज शोल्डर मीन्स अपने कंधे पर, अपनी कंधे पर किसके हाथ को जेसी ओवेंस महसूस किया। तो प्यारे किसके हाथ को महसूस किया हुआ था, लूजलांग के हाथ पे, लूजलांग के हाथ को। व्हाट इट इट सिग्निफाई, यह दिखाता क्या था, तो यह फ्रेंडशिप दिखाती थी, दोस्ती दिखाती थी। तो प्यारे इसका उत्तर देखना, जेसी ओवेंस फेल्ट लूजलांग्स हैंड, जेसी ओवेंस ने लूजलांग के हाथ को महसूस किया, ऑन हिज शोल्डर अपने कंधे पर। ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। इट सिग्निफाइड, यह दिखाता है, हिज ट्रू फ्रेंडशिप, उसकी सच्ची दोस्ती को दिखाता है। यह क्या जो है दिखाया, उसकी सच्ची दोस्ती को दिखाया। तो प्यार बच्चे ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया और तीन नंबर आपके पक्के हो गए। ये तीन नंबर का आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा तीन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What happened, क्या घटित हुआ, when Jesse Owens on the first of three qualifying jumps, जब पहले जंप में Jesse Owens कूदा, तीन qualifying jump में जब पहले में कूदा तो क्या घटित हुआ। तो प्यारे क्या घटित हुआ था, घटित यही हुआ था कि सिंपल सी बात है कि जो है कि वह पहले में असफल हो गया था, कुछ इंच आगे से कूद गया था। पीछे आपने पढ़ा, आप वहीं से उत्तर लिखेंगे, ठीक है, इसे अपने मन से बना कोशिश नहीं करेंगे लिखने की। अब देखो, ऑन द फर्स्ट ऑफ हिज थ्री क्वालिफाइंग जंप्स, पहले तीन क्वालिफाइंग जंप में, प्रथम में जेसी ओवेंस लीव्ड, जेसी ओवेंस कूदा फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेकऑफ बोर्ड, टेकऑफ बोर्ड से बहुत सारे इंच आगे से कूद गया, एंड हिज अटेम्प्ट वॉज नॉट फ्रूटफुल, और उसका अटेम्प्ट फ्रूटफुल नहीं हुआ, अर्थात जो है सफल नहीं हुआ। तो या फिर जो है काउंट नहीं किया गया, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर उसमें जो है जो वर्ड यूज किया गया था आप उसे यूज कर सकते हो, और उसमें वर्ड क्या यूज किया गया था कि जो है कि फॉर नो जंप मीन्स कोई जंप नहीं मानी गई थी, तो फॉर नो जंप कर सकते हो, वो भी लिख सकते हो। तो जैसे भी जो भी आपको लगे आप उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो किताबी लैंग्वेज सीधे प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे ये आपका क्वेश्चन नंबर दो का सटीक सा उत्तर हो गया, और आप अगर अपनी एक बार पैसेज पढ़ लिए हुए हैं तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बार बार कह रहे हैं आपको पैसेज एक बार में पूरी तरह से अर्थ क्लियर नहीं होंगे, आपको एक दो बार तक, मिनिमम दो बार तक पैसेज पढ़ना होगा। एक बार आप पैसेज और क्वेश्चन आंसर सब कुछ पढ़ डालो, उसके बाद दोबारा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, दोबारा जब आप पैसेज पढ़ोगे तो क्वेश्चन के उत्तर आपको नजर आ जाएंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर कहां पर है। तो इसमें मान के चलो 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, आप 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लेना, इसके लिए आप जो है 25 से 30 मिनट के समय बचा करके रखना पर्याप्त रूप से। तो प्यारे आप उसी ढंग से अपना मैनेज करना, 2.5 घंटे में पेपर करने हैं आपको इस पोर्शन को छोड़ करके। तो आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट वाज जेसी ओवेंस ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जेसी ओवेंस के लिए सबसे ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज क्या था। तो प्यारे सबसे महत्वपूर्ण उनका ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज क्या था, ये जो लूजलांग के साथ दोस्ती हुई थी यही उनका सबसे ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज था ना। तो सीधे लिखेंगे जेसी ओवेंस ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज वाज, उनका ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज था द फ्रेंडशिप ऑफ लूजलांग,
लुजलांग की दोस्ती, लुजलांग की दोस्ती ही उनका सर्वोत्तम जो है ओलंपिक पुरस्कार था। ए प्यारबच्ची क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और 3 नंबर आपके यहां से भी पक्के हो गए। अब 3 नंबर वाला अंतिम क्वेश्चन देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कौन सी महत्वपूर्ण चीज है इन दी ओलंपिक गेम्स, मीन्स ओलंपिक के खेल में, ओलंपिक के खेल में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। तो प्यारबच्ची कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, टेकिंग पार्ट है ना, मीन्स या फिर जो ऐसे कह सकते हो कि ओलंपिक गेम में नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, मीन्स जीतना नहीं भाग लेना ही महत्वपूर्ण है, यही था ना लास्ट पैराग्राफ में यूज किया गया था ना, तो वही लिख दो, द इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक, ओलंपिक में महत्वपूर्ण चीज इज नॉट विनिंग, जीतना नहीं है बट टेकिंग पार्ट, भाग लेना है। ओलंपिक में महत्वपूर्ण चीज जो है जीतना नहीं भाग लेना होता है। तो प्यारबच्ची इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया, द इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। तो प्यारबच्ची ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा उत्तर, और यहाँ आपके 4×3=12 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन में, 3 नंबर जो आपका वकै बेस रहेगा, तो वकै बेस का 5वां क्वेश्चन देखिए, चूज फ्रॉम दी पैसेज दी वर्ड्स विच मीन, मीन्स उन शब्दों का चुनाव करिए जिन शब्दों का अर्थ यही है जो यहाँ पर दिया गया है। तो प्यारबच्ची एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मीन्स होता है बहिष्करण या फिर अपवाद भी कह सकते हो, इसे आपको खोजना है पैराग्राफ नंबर ए में खोजना है। तो प्यारबच्ची पैराग्राफ नंबर ए में आपका एक शब्द यूज हुआ है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, अपवाद मीन्स आपने अलग हो चुके हो ना, वही तो आपका एक्सक्लूजन हो जाएगा, आपका बहिष्कृत हो जाओ या फिर जो है अपवाद हो जाओ कहीं से, तो वही उसी को तो बोलते हैं एक्सक्लूजन बोलते हैं, एक्सक्लूजन मीन्स होता है बहिष्करण और एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, अपवाद मीन्स जो है आपका जो सारे नियम है उनमें से आप अलग हो गए हो, तो वही अपवाद मीन्स आपका बहिष्कृत कर दिया गया है। तो आपका एक्सक्लूजन का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन आपका पैराग्राफ नंबर 1 में प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से प्यारबच्ची आपका एक्सक्लूजन का सेम मीनिंग आप सीधे ऐसे लिखोगे, एक्सक्लूजन सेम मीनिंग एक्सेप्शन। इस तरह से पहला कंप्लीट हुआ, 1 नंबर का पक्का हुआ, दूसरा तीसरा एक एक नंबर के और बचे हुए हैं। हेटफुली, हेटफुली को भी पैराग्राफ नंबर 1 में खोजना है, हेटफुली मीन्स होता है नफरत पूर्वक, घृणा पूर्वक, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्गस्टेडली हो जाएगा, मीन्स नफरत पूर्वक निराशा पूर्वक, वही वो था उसने अपने पैर को डिस्गस्टेडली मारा हुआ था ना जमीन पे, तो मीन्स निराशा पूर्वक, हेटफुली मीन्स नफरत पूर्वक मारा हुआ था। तो प्यारबच्ची हेटफुली का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्गस्टेडली हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा हो गया 1 नंबर का। तीसरा है टू रिसीड, रिसीड मीन्स होता है कम होना, रिसीड मीन्स होता है कम होना, ठीक है, छटना या फिर जो है धुधला होना रिसीड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ईब आउट होना, ये आपको पैराग्राफ नंबर सी में खोजना है, और पैराग्राफ नंबर सी में खोजोगे ईब आउट शब्द का प्रयोग किया गया है, ईब आउट मीन्स भी होता है कम होना, उसका गुस्सा कम हो गया था ना जब जो उलूजलांग ने उसे बताया कैसे जो है वह फाइनल में पास हो सकता है ट्रायल के लिए, ट्रायल में कैसे पास हो सकता है, तो इसके गुस्से को ईब आउट कर दिया था ना, मीन्स कम कर दिया था। तो प्यारबच्ची टू रिसीड मीन्स कम करना, इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, पैराग्राफ नंबर सी का शब्द है टू ईब आउट हो जाएगा, तो सिंपल सा आपका हो गया टू ईब आउट हो गया। तो इस तरह से आपने इस पैसेज को सॉल्व कर लिए, और इस बेस पे हमने जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता था हमने उसके प्रश्न भी बना दिए। आप उम्मीद करते हैं आप आसानी से हर चीज़ को समझे होंगे, आज का पैसेज बहुत इजी पैसेज था, इजी इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आपका जो है ये आपके चैप्टर से था, आपने जो प्रीवियस ईयर में पढ़े हुए हैं वो आपके चैप्टर से था, इसलिए थोड़ा सा इजी कहेंगे। तो इसलिए प्यारबच्चे उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझे होंगे किस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। और एक बात ध्यान देना, अगर आपको किसी पैसेज में किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है और उस पैसेज से आपका वकैब खोजना है तो आप उस मीनिंग पे ज़रूर जाया करें। अगर जो है आपका अर्थ निकल रहा है जो इसमें दिए हुए हैं, जो शब्द इसमें दिए हुए हैं, अगर उस शब्द का जरा सा भी आपको कोई अन्य शब्द नहीं मिला तो आप उसी शब्द को रख देंगे जिस शब्द का आपका मीनिंग नहीं आ रहा है, जो उस पैराग्राफ में टफ वर्ड है, तो वही मीनिंग उसकी लगभग 80% उम्मीद होती है वही मीनिंग उसकी सही होती है। तो इस तरह से भी ट्रिक अपनाएंगे अगर मीनिंग नहीं आ रही, जैसे सभी शब्दों की मीनिंग आ रही है उस पैराग्राफ में, एक ही शब्द की नहीं आ रही है और खोजने पर आपको जो है किसी शब्द का अर्थ नहीं मिला, तो आप सिंपल से कर दो, जिस शब्द की नहीं आ रही तो इसको रख दो,
ठीक है आपका हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप ट्रिक बनाने की कोशिश करना, बिल्कुल आपका वकै वाला भी पोर्शन बिल्कुल इजी हो जाएगा। लेकिन ये तो मान के चलो 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक आपका समय ये पैसेज लेगा। अब आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से पूछे कोई भरोसा नहीं है, छोटा भी पैसेज दे सकते हैं, बड़ा भी दे सकते हैं, टफ वर्डिंग का भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए आपको हर चीज के लिए तैयार रहना होगा, हर चीज के लिए तैयार रहना होगा पैरचे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे टॉपिक को। तो यहीं पर आज की क्लास समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले अब इसके दो पैसेज बचे हुए हैं, दो पैसेज कल, एक सुबह मिल जाएगा, कल शाम को मिल जाएगा। कल आपका ये रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो कल आप लोग सुबह तैयार रहिएगा और शाम को भी तैयार रहिएगा, कल रीडिंग सेक्शन कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन शुरू कर देंगे। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। क्लास कंप्लीट करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्लास 11 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करें, और खास करके क्लास 12th के जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करें, जिससे जो है बोर्ड परीक्षा के पहले उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन इस समय चल रहा है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरे ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो प्यारे बच्चे मेहनत आप करो, ईमानदारी से मेहनत करो, सफलता आप पे फिदा हो जाएगी। जैसे आप जब प्यार मोहब्बत करते हैं, प्यार मोहब्बत में जब लड़की कब आपके ऊपर फिदा होती है, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आपको देखती है आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, ठीक है, तभी वो फिदा होती है। तो उसी तरह से सक्सेस भी उसी तरह से है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके ऊपर फिदा हो जाएगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो प्यारे बच्चे इसलिए पूरी तन मन धन से, पूरी जितना जोश जज्बा हो पूरी तरह से आप मेहनत करो, जरूर आप सफल होगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप मेहनत करेंगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।